नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे कि ग्लेन डोरी का पंखा कैसे पूरा फिटिंग करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। राम सागर मैकेनिक। अब देखिए, पंखा खोल रहे हैं, इसका आगे इंपेलर रगड़ रहा है। तभी एक किसान भाई यहाँ दुकान पे लेके आए हैं। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या कमी निकलती है। आइडिया लगाया गया है कि इसमें वायरिंग टूटी हुई है। पंखा भी किसी दूसरी दुकान से नया बन के गया था। चलो तो हम भी देखते हैं और क्या इसमें कमी निकलती है, तो फिर बताते हैं आपको, दिखाते हैं। अब देखिए, ये रगड़ लगी हुई है और ये आपकी ये रगड़ लगी हुई है। चलो तिकनियाँ खोल के बाहर निकालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तिकुनिया निकल गई है, ये बैरिंग प्लेट खोलते हैं। अब ये बैरिंग प्लेट खुल गई है। अब तो इसमें आइडिया लगाया गया है कि बैरिंग टूटी हुई है, तो चलो देखते हैं टूटी है क्या है। ये चाबी निकालते हैं पहले। ग्लेन डोरी खोल लेते हैं। ये ग्लेन प्लेट बोलते हैं इसे। ये दोनों बोल्ट इधर उधर के खोलने के बाद ही इसे ग्लेन डोरी इसी जगह पे भरी जाती है, ताकि यहाँ से पंखा हवा ना ले सके। ये देखिए, ये ग्लेन डोरी कटी हुई, इसमें काट काट के सूत होता है उसको डालते हैं। अब ये देखिए बाहर निकाल रहे हैं, धुरा सही है इसका, अभी नया ही बन के गया था। धुरा में कोई दिक्कत नहीं है इनके। देखिए इसका बुश भी चेक करते हैं, फिर अभी देख रहे हैं, अभी धुरा डाल के देखते हैं कितना सही है कितना गलत है। ये इसका बैरिंग, या बैरिंग कौन, ये चटका हुआ है और धुरा पकड़ नहीं रहा है, धुरा लूज रहता है इस पे। अब इससे थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा नज़दीक दिखाई दे। ये हल्का इस जगह पे चटका हुआ है कौन अंदर वाली, ये धुरा नहीं पकड़ रही है। इसकी बैरिंग किसी छड़ से तिरछा डाल के आप निकाल सकते हैं, इधर से भी ठोक लीजिए किसी बड़ी छड़ से, ये बैरिंग आपकी निकल आई है। इसमें नया बैरिंग पड़ेगा, बस इतनी ही कमी है। इसी की वजह से आगे पंखा इंपेलर रगड़ रहा था आगे की प्लेट में। ये बैरिंग जहाँ पे वो वाटर साइड की, इसे ऐसे ही फिट कर देते हैं। इसे रखने के बाद तभी बैरिंग लगाई जाएगी कि उधर से पानी ना बैरिंग पे आए। ये बैरिंग टूटी हुई है, फिलहाल अब इसको नहीं डालेंगे, दूसरा बैरिंग नया डाला जाएगा। ये नया बैरिंग ले आए हैं, ये थोड़ा ग्रीस। बैरिंग नया कैसे फिट करते हैं आप देखते रहिए, कैसे टाइट या लूज हो रहा है, क्या इसमें जुगाड़ करने पड़ते हैं। तो आप देखिए, थोड़ा बैरिंग इस पर टाइट जा रहा है, तभी वो नया बैरिंग टूट गया था पहले, तो इसको थोड़ा थोड़ा इसको थोड़ा थोड़ा हो सके तो रेती से काट दीजिए हल्का हल्का, साफ कर लेते हैं फिर इसे
रेती से थोड़ा काटते हैं, इस जगह पे मोटा है थोड़ा, ये हल्का हल्का रेती, इसमें रेती से हल्का हल्का पतला कर दीजिए क्योंकि वायरिंग आराम से चढ़े, ना लूज हो ना टाइट हो। ऐसे ही हल्का हल्का टाइट कर, लूज हल्का हल्का घिसा दीजिए ताकि वो हल्का लूज जाए, वायरिंग चटके टूटे ना चढ़ाने से। तो चलो अब तो फिटिंग बैठ रही है, अब चलो आगे बढ़ते हैं, इसे फिट करते हैं। ऐसे ही डाल लीजिए अब, फिर ये ग्लेन प्लेट पहले डाल लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है जल्दी में ये लोग भूल जाते हैं। ये ग्लेन प्लेट आगे लगा के आप इसे उसी जगह पे फिट कर दीजिए, वो उल्टा को ये इम्पेलर की तरफ पंखा को रख दीजिए। वायरिंग को ग्रीस से थोड़ा, वायरिंग में थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगा लीजिए ताकि वो हल्का मुलायम बना रहे हर समय टाइम के लिए। दोनों तरफ इसमें ग्रीस लगा लीजिए ताकि ये इतना जल्दी नहीं आपका ख़राब होगा। तो आप हल्का कच्ची छेनी से, कच्चे लोहे की छेनी हो उसी से इसे ठोके, पक्का होता है इसमें टूटने के चांसेस रहते हैं और लग जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कच्ची छेनी है, इसी से हम ठोकते हैं हल्का सीधा सीधा बराबर, सब सभी दिशाओं से ठोक दीजिए, अपनी जगह पे फिट बैठ जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे वायरिंग प्लेट यहाँ पे लगा दीजिए, बैरिंग प्लेट आपकी लग चुकी है। बैरिंग प्लेट बाद अब ये तिकुनिया चाबी से बोलते हैं, तिकुनिया चाबी को अपनी जगह पे हल्का हल्का कुटकुटा के अपनी जगह पे सटीक बैठा दीजिए। अभी तिकुनिया को उसी कट के सामने उसको लगा दीजिए। उसे तिकुनिया का जो बोल्ट होता है उसे टाइट कर दीजिए ताकि वो इधर उधर फिसले ना, नहीं तो निकल जाती है चलते चलते कभी कभी। तो चलो अब ग्ले तिकुनिया आपकी कस चुकी है, अब ग्लेन, इसमें ग्लेन डोरी इसमें उसी जगह पे वही टुकड़े फिट कर देते हैं ताकि वो अपनी जगह पे सटीक बैठ जाए, क्योंकि नया भी ग्लेन डोरी था। हल्का हल्का ग्रीस लगा के इसको, इसमें वाटर लॉक अभी निकले नहीं थे, नहीं निकले होते नहीं तो मैं आपको डालने के लिए बता देता कि कैसे आपको डालना है। वो अगले वीडियो में मैं आप बता देना कि अगले वीडियो में वाटर लॉक कैसे पड़ते हैं, क्या ग्लेन गर्म हो रही है कि आपकी ग्लेन ठंडी हो रही, बार बार पंखा वायरिंग तोड़ रहा है, तो इसके बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्नों को डालिए, मैं उसी हिसाब से अगला वीडियो मैं तैयार करूँगा। एक दूसरा ये ग्लेन डोरी, ये
ग्लेन प्लेट इसे बोलते हैं, इसमें दोनों बोल्ट लगा दीजिए। ये वो बोल्ट लग चुके हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा धागा कोर में लगा होता है, पैकिंग भी लगा सकते हैं। ये देखिए धागा, ये लीकेज के लिए लगाया जाता है। अगर आपका कहीं पंखा लीक करा है तो आप इसमें, यहाँ पे तो जैन डोरी का इस्तेमाल किया गया है, अगर नहीं है तो आप कोई भी धागा लगा के इसे यहाँ टाइट कर सकते हैं। हल्का हल्का ग्रीस लगा दीजिए ताकि भी लीक ना करे। ग्रीस लगाने के बाद आप ग्रीस पूरी कोर में लगा दीजिए। जैन डोरी को ग्रीस से मान लो कि भिगोना है हमें, तभी नहीं आपका लीक करेगा। तो चलो ले के चलते हैं, फिर इस पर इसको फिट कर देते हैं क्या कैसे एडजस्टिंग है। इसको अपने ही बोल्टों पे जो अपनी दिशा में हैं उसे अपनी जगह पे लगा दीजिए। ये बोल्ट 15 नंबर हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से बराबर कस दीजिए। किसी किसी में 15 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 15 ही नंबर होते हैं, और जो बड़े पंखे होते हैं उनमें 21 नंबर बोल्ट लगे होते हैं। तो आपका पंखा ये बन के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरा फिटिंग हो चुका है, जैसा आया था वैसा ही है। तो चलो, हम वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पूरा वीडियो देखें तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।